दलित के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा कि मैं बोलता हूँ कि शर्म महसूस करता हूँ कि दलित होना क्या है, दलित होना पाप है क्या यहाँ, कि दलित होते हैं दलित ऊपर ही अत्याचार क्यों होता है। तो भावनगर में पहले जो 5000 लोग काम करते थे और 95 में 5000 लोग काम करते थे, तो आज 2017 है तो यहाँ पे जो है 600 लोग ही परमानेंट काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम पे रखा है, तो ये शोषण नहीं है तो क्या है? दलितों की तो बहुत समस्या है, मैंने कहा ना कि हमारी जिंदगी गुजर जाएगी फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते। यहाँ क्या क्या है, प्रशासन है कोई ऐसा है, यहाँ कानून भी ऐसा है, आप किसी भी एट्रोसिटी लगाओ तो मानो दूसरे दिन तो रिहा हो जाता है, तो एट्रोसिटी का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ गुजरात में। दलित जो लोग है वो बीजेपी से पूरे खफा है और ये समय बीजेपी के विरुद्ध वोटिंग करेंगे, ये 100% बात सच्ची है। ये दलित होते, ये इंसान जैसा बर्ताव नहीं होते कि ये दलित है इसको आगे बैठाओ दूर बैठाओ, ऐसा यहाँ गुजरात में होता है। वो हमें पहले तो बोल देते हैं मकान ये है ये है, बाद में बोलते हैं बाईकास्ट, तो हम बोलते हैं शेड्यूल, लेकिन नहीं 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 देंगे। बड़े जो नौकरी वाले होते हैं ना अधिकारी, उसका भी वो बाना बोलते हैं ना भावनगर में, वो पहले जो देते हैं ना थोड़ा सा पैसा उसको बाना बोलते हैं, वो दिए है ना तो उसको बोलते हैं कैसी कास्ट के हो तुम, तो वो बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट थे, उसके बोलते हैं कि ले तुम्हारे पैसे वापस, वो हम शेड्यूल कास्ट को नहीं मकान देंगे। सबका साथ सबका विकास, तो मैं मानता हूँ को वो लोगों का विकास हुआ है, पब्लिक का विकास तो नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। व्यक्तिगत विकास हुआ है वो जरूर बात है। सबका साथ नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि जो लोग दलित है जो लोग पिछड़ा है उसका कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है तो चंद उद्योगपतियों का और मोदी के जो कार्यकर्ता है उनका 100% नहीं 1000% विकास हुआ है। बोल रहे हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन वो कोई नहीं है, खाली जो पैसा देता है उसका विकास होता है और पैसे वाला का ही विकास होता है, बाकी का वही परिस्थिति है जो पहले थी।